वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ। हाँ जी गाइज, आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड की संस्कृति से मिलाना चाहूंगी। उत्तराखंड की संस्कृति यानी कि मैं आज आप लोगों को उत्तराखंड में जो जाना माना मतलब जो रीति रिवाज है, झुमेला होता है यहाँ पे, झुमेला होता है बसंत ऋतु में। तो यहाँ पे आजकल मेरे विलेज में जहाँ पे मेरा मायका है वहाँ पे कंटिन्यू लेडीजें इस चीज को कर रही हैं, अपने जो पूर्वज करते थे उस चीज को कंटिन्यू यहाँ पे दोहरा रही हैं, कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे पूर्वज करते थे वो हम लोग कर रहे हैं और हमें खुशी है कि हमें हम वो चीज कर रहे हैं, मतलब जो काफी साल पहले लोग करते थे वो अब फिर से दोहराया जा रहा है। तो इसे मतलब जो ये लोग नृत्य कर रहे हैं इसे बोलते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में, उत्तराखंडी लैंग्वेज में झुमेला। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ये चीज नहीं देखी है। मुझे पता है कि हमारी रीति रिवाज है, लोग इन चीजों को पहले करते थे, हमारे दादा दादी हुए या फिर जो हमारे बुजुर्ग थे वो लोग करते थे, बट जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से और अभी तक जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैंने ये चीजें कभी भी देखी नहीं थी। फर्स्ट टाइम में मेरे को भी देखने को मिला और मुझे काफी अच्छा लगा और मुझे लगा कि यार ये हमारी संस्कृति है तो इस चीज को मुझे अपने चैनल पे डालना चाहिए ताकि जो लोग उत्तराखंड से मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों को भी ये देख के अच्छा लगे। क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है आज की डेट में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो रोजगार यहाँ पे बहुत कम है, सारे लोग बाहर रहते हैं, कोई विदेशों में रहते हैं, तो उन लोगों को मतलब वहां पे हो नहीं पाता है अपनी जो संस्कृति देखे। बट अगर वो लोग किसी के चैनल के थ्रू या फिर किसी के ब्लॉग्स के थ्रू ये चीजें देखते हैं, सोशल साइट पे चीजें देखते हैं, तो उन लोगों को भी खुशी मिलती है कि वो लोग अपनी संस्कृति को देख पा रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे। तो आज मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो जो भी मेरे उत्तराखंड के भाई बहन हैं, जो भी ये मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप उन लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए गाइस, ज्यादा आप लोगों से बातें नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाती है। और हाँ, पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा बहुत आप लोगों को लाइटिंग का यहाँ पे इश्यू लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे गाँव में हूं मैं अभी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है। साथ ही साथ आपको नॉइज भी पीछे से बहुत आ रही होगी, तो वो मेरी भतीजियों की नॉइस है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। बच्चे आपको पता है आवाज मतलब पीछे से हल्ला गुल्ला करते हैं, उनको चुप नहीं करा सकते हैं, तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल माइंड मत करना। तो चलिए अभी ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, आपको सीधा दिखाती हूँ झुमेला। तो देखिए आप लोग और इंजॉय कीजिए। क्या चीज बोल रही हो? नहीं, मैं वीडियो बनना यूट्यूब ला। ये लोग लगा रहे हैं चांचड़ी, गढ़वाली में चांचड़ी होती है वो लगा रही हैं। क्या गाना चु? क्या गाना चु? तो ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे चांचड़ी, ये गढ़वाली उत्तराखंड में मतलब बहुत मान्यता है इसकी, पुराने जमाने में बहुत होता था ये। कोई भी अच्छा पर्व होता है तो बैसाखी तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे गाइस। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गाय खा रहे हैं चार। और ये हैं घूमने वाले,
तो यहाँ पे काफी सारी टीम बनी हुई है, एक टीम ये है और एक उधर हो रहा है वो देखो। तो ये लोग लगा रहे हैं चांचणी, चांचणी होती है गढ़वाली। सो इनकी चांचणी चल रही है, चांचणी गढ़वाली चांचणी उत्तराखंड की काफी ज्यादा मान्यता है और ये पहले जमाने में होता था, तो ये लोग इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये बसंत ऋतु जो आती है ना उसमें होता है ज्यादा। तो जो ये गाना है गाइज, एक लड़की अपने ससुराल से, एक घुघुती होता है ना पक्षी, तो वो मतलब बांसुरी है, बांसुरी बोले तो बोल रही है, तो वो है कि वो लड़की अपने मायके को याद करके हुए इस गाने को लगा रही है बसंत ऋतु में।